वो अब उसी तरफ आ रहे हैं जिसकी तरफ हम कहते रहे हैं, उनको एहसास हो चुका है कि एक कौमी लेवल की एक हुकूमत हो और कौन कैसे बनेगी। और दूसरी तरफ खोसा साहब भी जो है तहरीक इंसाफ के वो न्यू कमर है, उन्होंने कहा है कि भाई हम नवाज शरीफ के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी ये एक एक थोड़ा सा और ये सिलसिला हो रहा है। तो मुस्लिम लीग का हूँ, मुस्लिम लीग को नहीं छोड़ रहा, मुझे निकाल भी नहीं सकते। क्या इमरान खान इन हालात में भी 2/3 मेजोरिटी लेकर वजीर आजम बन सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं? इस वक्त कौम कहती है कि लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। मैं तो पार्टी मुस्लिम लीग, जब मैं मुस्लिम लीग में खड़ा था उस वक्त मियां नवाज शरीफ तो सियासत में भी नहीं आए थे। अब इस वक्त तो इमरान खान वाहिद आदमी लगते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हैं, उसी में ही पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है कि इमरान खान को रिहा करो। तो मैं ना भी मानूं, वोटों को फैसला करने दे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएगा, लोग उसको एक्सेप्ट कर देंगे। जी बड़ा एक इस वक्त इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जानते हैं तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है, अभी आपने खुद भी देखा, आप रोज देखते भी हैं, अभी शाह महमूद कुरैशी का मामला भी है, खान का मामला है, वर्कर्स का है, तहरीक इंसाफ में आपका अच्छा वक्त भी गुजरा है। तो अगर आप इस वक्त तहरीक इंसाफ ज्वाइन करके बजाय उनकी पार्टी टिकट पर, जिस वक्त उस वक्त उम्मीदवारों के मामला भी है, तो आप उनकी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते आप वहां से? डिटेंशन ऑर्डर के अंदर जैसे शाह महमूद साहब के साथ ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे, ये इलेक्शन जो हो रहा है मेरे सामने, मेरे मुल्क की तबाही हो रही है। ये इस तरीके के इलेक्शन तो हमने कई देखे हैं, उसका फिर रिजल्ट में पाकिस्तान तो लख्त हो जाता है। और हमारे DC, हमारा कमिश्नर एक एक आदमी को बुला के तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, ये इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। 43 years ये सिविलियन हुकूमत किसके पास रही है? मियां नवाज शरीफ साहब के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सभी काजमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब, मेरे साथ जावेद हाशमी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, और जो इन हालात पे जो मौजूदा हालात आपके सामने, इस वक्त इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है, इंतखाबी मरहला जो है वो तय हो रहा है, नामजदगी के पेपर जमा हो चुके हैं, अभी स्क्रूटनी का अमल जारी है, तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने वापस कर दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा एक फैसला है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया। अब लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत सारे मामलात अभी बाकी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी बाकी हैं, और अदालती महाज पर भी जंग चल रही है, इसके अलावा इंतखाबी महाज पर भी चल रही है, और इस वक्त तमाम सियासी जमातें 1-8 फरवरी की तारीख का इंतजार कर रही हैं, लेकिन मईशत के हालात भी कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे। कुछ लोगों को लगता है कि 8 फरवरी को अगर धांधली हुई तो उसके बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ जाएगा? बहुत सारे ऐसे तजिया नगार अभी बातें कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को या इलेक्शन को फेयर एंड फ्री किया गया, तरीके इंसाफ को स्पेस दी गई, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। जावेद चौधरी साहब ने भी बात की, नुसरत जावेद साहब ने भी बात की, अंसार अब्बासी साहब भी कह चुके हैं, जावेद हाशमी साहब सीनियर पाकिस्तान के एक सियासतदान है, एक तारीख है, ये ज्यादा बेहतर इस मामला को हमारे सामने रख सकते हैं, इनसे बराह रास्त सवाल करते हैं। हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले भी सर, जो सिचुएशन चल रही है, 8 फरवरी की तारीख आपके सामने है, आम तौर पर तो इलेक्शन की गहमा गहमी है, आपको पता है धूम धड़के से लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जाया करते थे माजी में, फूलों के हार पहन के, इस दफा पहली दफा देखा जा रहा है कि एक आंख मुचोली चल रही है पुलिस में और लोगों में, लोग घरों में छुप रहे हैं, कागजात नामजदगी का एक छीनने का सिलसिला और अब मुस्तरद करने का सिलसिला भी स्क्रूटनी के अमल में जाएगा, तो आप इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इंतखाबात पाकिस्तान में बहुत हुए, कम नहीं, बहुत हुए, 15 बिल्कुल, लेकिन वो हमारे मसाइल का हल उन इंतखाबात से नहीं निकल सका। पाकिस्तान की मईशत 75 साल में उसकी हालत दिगरगुम है, गरीब आदमी भी जो है वो इन इंतखाबात के समरात उन तक कभी पॉजिटिव तरीके से नहीं गए।
तो उस तरीके का एक और इलेक्शन अगर हम करा देंगे तो हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिला सर, बड़ा आपको पता है एक मामला था, एक बड़ी जमात थी पाकिस्तान में, मकबूल जमात है, आप बता चुके हैं पहले भी, उनका बल्ले का निशान लिया गया, 3 दिन 4 दिन के बाद वापस मिला, लग रहा था कि उनकी मखसूस नशिस्तें भी अब नहीं मिलेंगी, वो दो तिहाई अक्सरियत के काबिल भी नहीं रहेंगे, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट को टेक्निकली कह दिया जाएगा उनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, सुप्रीम कोर्ट आगे है, वहाँ कोई ना भी जाए तो कहेंगे कि मुल्क का फैसला नहीं है, एक सूबे का फैसला है। मैं इन तफसीलात में नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूँ बार बार जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन बहुत हुए हैं लेकिन यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन कोई नहीं हुआ। अब चूंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी सियासी पार्टियों ने और हमारी अदालतों ने जोर लगा के 8 फरवरी का वक्त दे दिया है, अब अगर उसको भी हम फेयर तरीके से नहीं कराएंगे इलेक्शन तो वो और हमारे मुल्क के लिए मसाइल की फसल बो के जाएगा। देखिए एक बात जो और बढ़ के की है इमरान खान ने कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो खड़े हो गए, 75 साल में ये कई दफा लोग खड़े हुए हैं लेकिन फिर कुछ बैठ गए, कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब इस वक्त तो इमरान खान वाहिद आदमी लगते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हैं, उसी में ही पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है। तो इसलिए कल का मुझे पता नहीं इमरान खान क्या करे, लेकिन जो ऐसी बात करता है मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं उस तरीके से कहूँ कि ये जो आपने बातें पूछी हैं वो तो सीधी सी बात है कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे। इक्वल इतनी मुश्किल से हमने 8 फरवरी ले लिया, अब वो भी हम सारे मिलके एक कभी उनके नॉमिनेशन पेपर ना एक्सेप्ट करें, कभी उनके नाम रिजेक्ट करते जाएं, कभी किसी पार्टी को मारते जाएं, बात ना सुने, अगर किसी की सुप्रीम कोर्ट भी जमानत ले लेता है तो उसे फिर आप डिटेंशन ऑर्डर के अंदर जैसे शामू साहब के साथ। तो ये कोई ये इस तरीके के इलेक्शन तो हमने कई देखे हैं, उसका फिर रिजल्ट में पाकिस्तान तो लख्त हो जाता है, फिर छोटी छोटी जो वो फोर्सेस होती हैं जो अनाइड है, जिनको हमने नाराज किया हुआ है, जिनके साथ वफाक ने ज्यादतियाँ की हुई हैं, वो मैदान में उभर के फिर वो आ जाती हैं, पार्टियों खत्म हो जाती है, ऐसे बलोचिस्तान के लोग भाग के बैठे हुए उनका फेस करें, उनके लोगों को तो आपने कत्ल किया है, उनके लोगों को की लाशें जो है कुत्तों ने खाई है बलोचिस्तान में। इनके मैंगल साहब का बड़ा बेटा जो था अक्सर मैंगल के छोटा या बड़ा, उसकी लाश कुत्ते खा रहे थे, और वो भुट्टो साहब का दौर था लेकिन मारा था हमारी असेंबली स्टूडेंट में था, जवाहरलाल असेंबली पर कहा कि इसको हजम कर जाए, कहो कि वो कश्मीर के अंदर जाके दहशत गर्दी करने किया हुआ था। तो ये हम उनका संग तो हमने हर एक को किया हुआ है, बिल्कुल सही बात। पार्टियों को भी और इलेक्शन भी फेयर नहीं कराते, और वहाँ भी ऐसी पार्टियां बना देते हैं, कोई बलोचिस्तान की कोई जरूरत वो इख्तदार हम दे देते हैं, वो MLA बन जाते हैं, वो वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, तो उससे उन लोगों के जख्मों पे फायर नहीं रखता ये इलेक्शन। इंतखाबात अगर फ्री होंगे फेयर होंगे इमरान खान आ जाए, मैं तो उसके साथ खड़ा तो नहीं होना, मैं तो उसकी टिकट पर इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा, मैं एक ऐसे न्यूट्रल आदमी के तौर पर जो उसने सारी जिंदगी फेयर इलेक्शन के लिए तगोदौ की है, कोशिशें की हैं,
मैं कहता हूँ ये मौका आया हुआ है, 1/28/2020 का इलेक्शन फेयर एंड फ्री करा दें, पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल निकल जाएगा। अगर इमरान खान आता है तो बन जाए वजीर आजम, अगर नवाज शरीफ बनता है तो बन जाए वजीर आजम। मैंने देखे, मैं मुस्लिम लीग में था, आज भी हूँ। मैंने उस वक्त मैं नवाज शरीफ ने जब परवेज मुशर्रफ आया सब छोड़ के चले गए थे, मैं जंग लड़ता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने भी लंबी जंग लड़ी है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फिर वो जरूरत के मुताबिक आके जब उनसे कंप्रोमाइज करते हैं, तो मैं उस मौकफ को जब जो उनके साथ खड़ा होके कहता था कि वोट को इज्जत दो और ये हमारा जो बाजवा है इसने हमें लूटा है, खाया है, मेरे घरों को किसने गिराया, इमरान खान का दौर था। लेकिन मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि इमरान खान ने इनको गिराया है। मैं कहता हूँ बाजवा ने फैज हमीद ने गिराया है, इसलिए सीधी बात करें, उनको मिन्नत करें, जो आज बैठे हुए हमारे आसिम मुनीर साहब हैं, कोई हैं, उनको कहें कि खुदा का नाम माने, अब आपकी आपका वजूद स्टेक पे है, पाकिस्तान नहीं, हमारी अफवाज की इज्जत आबरों का की स्टेक पे है, ये मरहला आ गया है। मैं तो आज नहीं कहूँगा मुकद्दस फौज है, कितने लोग कहने वाले रह गए हैं। इसलिए हमें ज़हनी तौर पे इमरान खान आता है आ जाए तो खा जाएगा। अगर मुजीब को वो जीत गया था इलेक्शन, उसको वज़ीर आज़म बना देते, वो तो कह रहा था मतलब मैं तो पाकिस्तान का लीडर हूँ। अब सुने उसकी तकरीरें बिल्कुल शेख मुजीब की, अब क्या बाजार में आ रही है, मतलब ये है आज इमरान को रिफ्यूज करेंगे इक्तदार, अगर लोग देना चाहते हैं तो गलत करते हैं, चलो लोग मेरे नज़दीक इमरान खान को क्यों लाना चाहते हैं, लेकिन लोग हैं, इलेक्शन का माना ही लोगों की राय है, उनको करने दिया, इससे पीछे हटेंगे तो फिर वो मुल्क नहीं रहते, चलते भी नहीं है, मईशत ठीक चलती भी नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल और चल जाएगा, फिर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, मशरक में हैं, मगरब में हमने खुद पैदा कर लिए हैं, अमेरिका की गेम खेलते खेलते, तो इन सूरत हालात में एक ही हल है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इमरान खान को आज ही रिहा करें और इसका मुतालबा करें मियां नवाज शरीफ, ये ड्यूटी है, अगर वो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, वजीर आजम बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं, तो वो मुतालबा करें कि इमरान खान को रिहा करो, जो मुकदमे हैं नौ में यह है, कोई है, चलते रहते हैं। मैं आपसे अर्ज करूँ, मेरे ऊपर मैं 23 साल का इस वक्त तक सजा याफ्ता हूँ, मेरी सजा ख़त्म नहीं हुई, मुझे सिर्फ जमानत मिली हुई है उसमें, तो वो तो बाद में कोई मैं पूछते ही नहीं है, लेकिन वो मुकदमात हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, इस वक्त तक उम्र कैद का सजा मिली हुई है, वो ख़त्म ही नहीं हुई, तो इसके बावजूद मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है, है इमरान को 10 मौके मिलेंगे, 9 मई में आप सजा दे देंगे, फिर आगे चला जाएगा, फिर आगे चले जाएगा, अदालतें उसको आकर रिलीफ देती हैं, तो फिर उसको आप कहते हैं कि हम बस एक ही लफ्ज में उसको ख़त्म कर दें, नहीं ख़त्म कर सकते, वो आवाम की आवाज़ बन जाता है, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे, अभी मियां नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात होती है, उन्होंने भी 3 दफा वजारत उज़्मा का जायका चखा है, पंजाब में भी उनकी 29 साल हुकूमत रही दोनों भाइयों की, तो अगर आप मियां साहब से जब बात करते हैं तो क्या आप उन्हें समझा नहीं सकते, आप तो बड़े सीनियर उनके पार्टी के मेंबर है, कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए जो डील करके जिस तरह उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं वो इससे हटे और अवाम की अदालत में आए, अवाम जो फैसला करे, वो आपकी बात सुनते नहीं क्या? देखिए मैं तो कोई 4-5 साल से मेरे उनसे कभी गुफ्तगू ही नहीं हुई, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक बात कहता हूँ कि मियां साहब सरदारी साहब इन्होंने बड़ी सड़कें बनाई होंगी, मोटरवेज बनाए होंगे, इन्होंने जहाज बनाए होंगे, इन्होंने मुल्क के अंदर यहाँ
रेशम और कम खाब दे दिया होगा। और भाई आप ही की हुकूमत के बाद तो आपकी इतनी मेहनत जो आप रोज बताते हैं, हमने मोटरवे बिछाई, हमने ये जाके अमन बाहर किया, हमने बिजली लेके आए, सब कुछ आपने दिया, लेकिन आज तक बिजली है, सड़क है। मैं मुल्तान से 25 किलोमीटर फासले पे बैठा हूँ, मैं मुल्तान जा नहीं सकता, 3 साल से चक्कर लगा के फलां सड़क से फलां से, कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं है। ये वो लोग समझते हैं कि 43 years ये सिविलियन हुकूमत किसके पास रही है, मियां नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के पास, और बाकी तो असल हुकूमत तो वो एस्टेब्लिशमेंट है, मगर उनके साथ मिलके भी आपने इख्तदार तो रखा है। उस इख्तदार के बाद इतने अरसे के बाद अगर आपने कोई एक मोटरवे भी चला ली हो, एक बना ली हो, 30 साल में यार खुदा के लिए कौम इसलिए आपसे दूर बातें कर रही है कि आपने हमें मार दिया है। आपने हमें जितने वसायल थे मसायल थे उसका हल नहीं तलाश किया, चंद चीजें बना दी, उसमें से भी उनको शक हो जाता है कि कोई कमीशन लेके एक चीज बना दी दूसरी बना दी, नहीं लिया होगा आपने रिस्क हरा लिया होगा। लेकिन आवाम सच कहते हैं कि हमारे हाकिम जो सामने बैठे हुए हैं वो तो मेरे वाशिम है, वो तो जरदारी साहब है, वो यही लोग हैं, वो कहते हैं अब हमने इनको नहीं आने देना, तो मेरी बात क्या सुनेंगे। मैं उनके साथ, मैं तो जब अभी पाकिस्तान आ रहे थे तो मैंने अपने मुल्तान में हर जलसे में गया कि मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल के लिए पहुंचो वहां पे मीनार पाकिस्तान पे, मुझे तो कभी उन्होंने बुलाया ही नहीं, मशवरा ही नहीं किया, हुक्म भी नहीं भेजा, तो फिर मैं क्या करता। तो हाशमी साहब, ये अभी आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है, अभी आप इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, ये फिर किस तरह आपको, मतलब जब वो आपके साथ उनके ताल्लुकात बजाय नजर नहीं आ रहे? आजाद लड़ रहा हूँ जी, आजाद जी, तो अभी उन लोगों ने मुस्लिम लीग का हूँ, मुस्लिम लीग को नहीं छोड़ रहा, मुझे निकाल भी नहीं सकते, मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या कोई उनमें से मुझे निकाल ही सकते। अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो कोई ये मैंने कोई डिसिप्लिन की ये खिलाफवर्जी नहीं की, चौधरी निसार भी टिकट के बगैर बावजूद 5-6 इलेक्शन लड़ते रहे, कभी नहीं निकाला इन्होंने उनको, तो मुझे कैसे निकाल सकेंगे। मैं तो पार्टी मुस्लिम लीग, जब मैं मुस्लिम लीग में खड़ा था उस वक्त मियां नवाज शरीफ तो सियासत में भी नहीं आए थे, बिल्कुल सही, तो मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ, लेकिन एहतराम भी करता हूँ, मैं उनको लीडर भी कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इस वक्त कौम कहती है कि लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, तो मैं ना भी मानूं, वोटों को फैसला करने दे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएगा, लोग उसको एक्सेप्ट कर देंगे। जी, बड़ा एक इस वक्त इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जानते हैं तरीकिन साहब के साथ जुल्म हो रहा है, अभी आपने खुद भी देखा, आप रोज देखते भी हैं, अभी शाह महमूद कुरैशी का मामला भी है, खान का मामला है, वर्कर्स का है, तरीकिन साहब में आपका अच्छा वक्त भी गुजरा है, तो अगर आप इस वक्त तरीकिन साहब ज्वाइन करके बजाय उनकी पार्टी टिकट पर, जिस वक्त उस वक्त उम्मीदवारों के मामला भी हैं, तो आप उनकी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते आप वहां से? मैं पार्टी तो ज्वाइन नहीं करूंगा, जो उन पर ज्यादतियां हो रही हैं, एक एक ज्यादती को मैं महसूस करता हूँ कि मेरे जश्न के साथ ये हो रहा है, जो उनके वर्कर्स के साथ हो रहा है वो उसको नाकाबिले बयान है। मैं जानता हूँ, मैं लोगों में रहता हूँ, तरीके इंसाफ के लोगों के साथ जितनी ज्यादतियाँ हो रही हैं वो नई तारीख लिखी जा रही है। अब मुझे बताएं, ये उमर डार की वालदा को, राना इम्तियाज को, मेरे भाई साहब इम्तियाज, उसका घर वाला इम्तियाज चार, मैं इस फैमिली का एक एक बंदे को जानते हैं, जानता हूँ, लेकिन पक्के मुस्लिम लीग ही थे, कायदे आजम को मारने वाले, उन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई जिना हाउस, बैंक बात कर रहा हूँ, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जो दूसरी यही मुल्तान में कितने लोगों के साथ हो रहा है, वो बेचारे उठ के आ जाते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ, ना कभी जाऊंगा, क्यों कह रहे हैं,
और हाई लेवल की लीडरशिप को भी जो तरीके साफ किया है यही फेस कर रहे हैं। आप देखिए मतलब ये कहना आसान है ये वहाँ लाहौर के लोग जो जेलों में बैठे हुए हैं, खवातीन जेलों में बैठी हैं, भाई इस तरह ना करो, केस चलाओ, अगर कोई चीज है तो उनके ऊपर केस चलाओ। जी अच्छा आशमी साहब, ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं जी कि हमारे साथ भी 2013 में ऐसे हुआ, 2018 में हुआ, हमें भी उठाया, लेकिन मैं जब तारीख में देखता हूँ मुझे ऐसा कोई वाकया नजर नहीं आया कि इनके भी ऐसे उम्मीदवारों को अगवा किया हो, अगवा कर उनके जो कागजात है वो जमा ना करवाने दिए गए हों, मुस्तरद किए गए हों इस तरह। तो आपको कोई ऐसा वाकया याद है क्योंकि इनके साथ कभी ऐसा हुआ कि इनके उम्मीदवार सारे उठा लिए? देखिए खुद भुट्टो साहब इलेक्शन करा रहे थे भूटान से, उनके वजीर आला ने अपने आप को अनपोल वो कर दिया, उन्होंने उसके मुखालिफ एहसान बारी था हमारा एक यहाँ पे दोस्त से अताउल्ला खान था, उनको 5 महीने जेल के अंदर ही रखा, पता ही नहीं कहाँ रखा हुआ है। फिर जान मोहम्मद आबासी थे भुट्टो साहब के मुकाबले पे, उनको गुम कर दिया गया। ये भुट्टो साहब के हैं रहे हैं, ये इसको कहीं तो कोई बंद करेगा, उसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। ये बातें होती नहीं है, मुझे नंगा करके लिटा दिया बर्फ की सिलों पे, और जनवरी के महीने में हाथों में हथकड़ियां डाल के और फैज और बाजवा ने मेरे घर के ऊपर बुलडोजर चला दिए, फैक्ट्रियों पे चला दिए, 19 करोड़ का नुकसान कर दिया। तो चलो छोड़े ये बातें, फिर छोटी छोटी ये बताइए कभी जो इलेक्शंस अब जो हो रहे हैं, आपको पता है आरओस के थ्रू डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर लोग करवा रहे हैं, एक तरफ अदलिया की तरफ मामला था, तो ये जो डिप्टी कमिश्नर लोग हैं एक तरफ तो एमपीओ भी लगा रहे हैं, दफा 144 भी लगा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी को अंदर भी कर रहे हैं, लोगों को उठा भी, ये लोग कैसे मुनसफाना इलेक्शन करवा सकते हैं? नहीं नहीं करा, ये इलेक्शन जो हो रहा है मेरे सामने, मेरे मुल्क की तबाही हो रही है। ये जो 8 फरवरी का है, जिसको जितवाएंगे जितवा देंगे, लेकिन रोजाना कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और हमारे डीसी, हमारा कमिश्नर एक एक आदमी को बुला के तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, तो इसका हशर क्या होगा? मैं देख रहे इनके कई लोगों का उनके प्रपोजल स्कैंडल को पकड़ के जेल में डाल दिया है, तो वो उसकी गवाही कोई नहीं आके देगा कि मैंने इसको प्रपोज किया था, वो क्या कैंडिडेट कैसे रहेगा? ये इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन नहीं है, अभी आपको क्या लगता है? ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन। जी जी, आप अगर अपने तजर्बे की रोशनी में देखें तो जिस तरह के हालात हैं वो आप सब जानते हैं, ग्राउंड पे आप हर चीज देख रहे हैं, आपको लगता है कि इन तमाम हालात के बावजूद क्या इमरान खान इन हालात में भी 2/3 मेजोरिटी लेकर वजीर आजम बन सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं, या ये लोग ऐसा काम करेंगे कि अनारकी की तरफ मामलात चले जाएंगे, 8 फरवरी के बाद एहतजाज होगा और फिर मुल्क जो है वो आपको पता है अल्लाह ना करे मुख्तलिफ हालात। हमारा हर इलेक्शन जो हुआ है, हर इलेक्शन उसने पाकिस्तान के लिए बड़े गहरे जख्म लगाए हैं, हर इलेक्शन में। अब जब से पाकिस्तान बना है फिर बिल्कुल हर इलेक्शन में गहरे जख्म लगाए हैं, लेकिन मुल्क कहते चल रहा है, भाई नहीं चल रहा ना। अब खुद आप कह रहे कि पाकिस्तान जो है वो उसकी ना मईशत चलती है, ना हम जाते हैं कोई खैरात देता है, पूरी दुनिया में घर के अंदर मैं तो रहता हूँ, जो साथ मेरे अरुणियों पर लोग रह रहे हैं उनके अंदर मेरा घर भी है, बैठा हुआ रोज देखता हूँ कि लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, पहनने को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो इलेक्शन से क्या उनको बेहतरी मिलेगी? हाँ बता, एस्टेब्लिशमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है हर इलेक्शन में, से जब रिजल्ट आते हैं एस्टेब्लिशमेंट पहले से स्ट्रांग हो जाती है, वो अंदर से तो खोखले हो चुके होते हैं लेकिन स्ट्रांग नजर आते हैं, जो बात करते हैं फिर वहाँ पर तशद्दुद करते हैं, फिर वो कभी हम खैबर पख्तूनख्वा के मामलात करते हैं इस तरीके से,
अब हमने 30 साल पूरे 30 से 40 साल तक हमने अफगानिस्तान वालों को अमेरिका के कहने पे 1911 के ऊपर अपने हमने एयरपोर्ट्स दे दिए थे, यहाँ पे जैकमबाद का वहाँ 4 एयरपोर्ट्स दे दिए होते। आज फिर हमारी ये अफवाह है, बल्कि पक्की बात है कि आप ये फिर ड्रोन के लिए क्वेटा का बेस दे रहे हैं, वहाँ से वो उड़ेंगे ड्रोन और लगेंगे अफगानों को। तो अब हम कहते हैं ये अफगान कहते हैं इनको तो हमने पनाह दी हुई थी, ये शुक्र गुजार होने के बजाय हमारे साथ लड़ते हैं। वो कहते हैं 40 साल आपने मारा है, आप किराए के एजेंट क्यों बन गए थे? तो इसलिए हमारी हमें हमारे लीडरों को सोचना चाहिए, ये नहीं सोचती आप जो होती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट वो ये बातें नहीं सोचती। वो कहते हैं जो वक्त गुजर गया है यही बेहतर है, उसका जो उस वक्त का कोर कमांडर है हमारे मुल्क के 4-5 कोर कमांडर जो हैं मुल्क में नहीं बैठे, इस बाद वक्त मुल्क को जिसने उन्हें अरबों रुपए लिए उन्होंने दिए, मुल्क के अंदर तो बैठ जाओ। लेकिन सर इलेक्शन का क्या होगा इस सवाल का बताएं ना अभी, क्योंकि लोग सारे यही पूछना चाहते हैं कि अब जो इलेक्शन होंगे जिस अंदाज में खान की पॉपुलैरिटी है वो तो ग्राउंड लेवल पे आप देख चुके हैं, लेकिन एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ नवाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ पीडीएम की पूरी जमातें हैं, 16 इत्तेहाद है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी है, अमरीका वगैरह भी उनके साथ ही है फिलहाल जो बाजायर हालात है। ऐसी सूरत हाल में दो तीन आज बातें मैंने सुनी है वो ख्वाजा आसिफ ने भी किए, इन्होंने भी, वो अब उसी तरफ आ रहे हैं जिसकी तरफ हम कहते रहे हैं। उनको एहसास हो चुका है कि एक कौमी लेवल की एक हुकूमत हो और कौन कैसे बनेगी। और दूसरी तरफ खोसा साहब भी जो है तहरीक इंसाफ के वो न्यू कमर है, उन्होंने कहा है कि भाई हम नवाज शरीफ के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी ये एक थोड़ा सा और ये सिलसिला हो रहा है तो उसमें शायद एक मरहला मिल है कि ये कौमी हुकूमत जो है वो आए, सबको रिहा कर दिया जाए और 4 महीने या 3 महीने के अंदर वो फिर इलेक्शन कराएं, फ्री और फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तभी पाकिस्तान का मसला हल होगा। अगर ज़बरदस्ती रोकेंगे इमरान खान को तो उससे भी मैं आज बार बार आपसे कर रहा हूँ कि उससे मसाइल बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। हमें पूरी कौम को एक मुट्ठी की तरह इकट्ठा होना होगा, फिर हमारी मईशत भी वो टेक ऑफ कर जाएगी, फिर हमारा दिफा भी मजबूत होगा। हाशमी साहब ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया, ये अभी तक किसी ने इस तरफ बात नहीं की कौमी हुकूमत के हवाले से। जो आपने कहा खोसा साहब आ रहे हैं अभी जो नए आए हैं तहरीक इंसाफ में और उनके साथ ख्वाजा आसिफ, और आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये लोग मिलकर एक कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं जिसमें ताकि तमाम लोगों के केसेस माफ हों और उसके बाद सब लोगों को रिहाई दी जाए और इलेक्शन लड़के ये लोग अपने सामने आए? ये बात इनके लिए आसान नहीं है, लेकिन जो कुछ उनके मुंह से निकल रहा है मैं उसके ऊपर अपनी एक जो एक हाँ एक बिल्डिंग खुद ब खुद ख्यालात की खड़ी कर रहा हूँ, और उम्मीद है यही ख्यालात जो है इसके अंदर चलेंगे तो फिर मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाशमी साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, बड़े अहम चीज़ें आपने तारीख समेत माजी और मुस्तकबिल के बारे में बड़ी अच्छी बातें की। अल्लाह करे पाकिस्तान पे सर इस तरह के हालात बेहतर हों और आप जैसे लोग भी सामने आए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने, थैंक यू सो मच।